हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरू के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने इंडिया स्टेज में आ चुका है, जहां पे 60 से ज़्यादा मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब सभी टीम्स के पास बस एक दो ही मैच बचे हुए हैं, यहां से प्लेऑफ की जंग बहुत ही रोमांचक हो गई है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टूर्नामेंट के 65 मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा राजस्थान और पंजाब के बीच में। इन्हीं दोनों टीमों के बीच में टक्कर होने वाली है, एक तरफ जहां पर संजू सैमसन है तो वहीं दूसरी साइड हमें सैम करन देखने को मिलेगी। आईपीएल का 65वां मुकाबला जो कि 15 मई को गुवाहाटी के बरसप्रा स्टेडियम में खेला जाएगा, इस साल यहां पहला मैच हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेसिंग अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 27 मैच खेले गए, जिसमें से राजस्थान 16 मैच जीत के आ रही है तो उनके पंजाब 11 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे बरसप्रा स्टेडियम का पिच बॉलिंग फ्रेंडली माना जाता है, यहाँ पे स्ट्रोक प्ले इजी होता है, बॉल बैट पे सही तरीके से आती है, स्पिनर्स को यहाँ पे खासा हेल्प मिलता है। वहीं अगर बात करें वेदर रिपोर्ट, जहाँ पे मैच के दिन मौसम थोड़ी सी क्लाउडी हो सकती है, बारिश की भी संभावना है, ह्यूमिडिटी जहाँ पे 62% रहेगा, वहीं टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का भी यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 198 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 167 है। तो दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम के लिए अब टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, पूरी सीजन में टीम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, दो तीन प्लेयर के छोड़ दो तो सब ने निराश किया, कई सारे मैच में टीम ने क्लोज मार्जिन से गंवाए, कप्तान शिखर चोट के चलते टीम से सबसे बड़ा झटका भी लगा, जो कि टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन लास्ट गेम में टीम आरसीबी से हार गई। टीम अब तक 12 मैच में से 4 ही मैच जीत पाई थी। ओपनिंग में बात किया जाए जो कि ब्रेस्ट ऑफ फ्रॉम सिमरन सिंह खेल रहे थे, वहीं नंबर 3 पर जहाँ पर रायलर रोसो जो कि 61 रन बनाए थे, शशांक सिंह इस साल टीम के एकमात्र स्कोरिंग बैटर है, वो हर मैच में टीम के लिए रन बना रहे हैं। वहीं पर लो ऑर्डर में जहां पर आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा इनकंसिस्टेंस दिखे, सैम करन और लाइमन लिविंगस्टोन जो कि इस साल टीम के सबसे ज़्यादा डिसपॉइंटेड किया, यही टीम की कमजोरी है। बॉलिंग में बात किया जाए जो टीम थोड़ा सा अच्छा कर रही है, टीम के 4 बॉलर्स जो अब तक 10+ विकेट ले चुके हैं, वहीं पर हर्षल पटेल जो कि 20 विकेट लेकर धमाल मचाए हुए हैं, कशिगो रवाड़ा को लास्ट गेम में ड्रॉप कर दिया गया था, अस्दीप सिंह जो कि गुवाहाटी के पिच पर इफेक्टिव हो सकते हैं, स्पिन बॉलिंग में राहुल चहल खेल रहे हैं। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉनी ब्रेस्टो, रायली रिसू, प्रभाव सिमरन सिंह है, आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा, सैम करन, शशांक सिंह है, हरप्रीत बराड़ है, हर्षद पटेल है, हर्षदीप सिंह है, कशिगो रवाड़ा। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात किया जाए जो कि नाथन इलियस है, शिवम सिंह है, ऋषि धवन है, हरप्रीत सिंह है, राहुल चहल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि शशांक सिंह है, जॉनी ब्रेस्टो, हर्षल पटेल है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर राजस्थान रॉयल की टीम ने इस साल बेहतरीन स्टार्ट किया था, शुरुआती के 9 मैच में से 8 मैच जीतकर टीम टॉप पे थी और लगभग प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन उसके बाद टीम पिछले 3 मैच लगातार हार गई, इससे टीम को झटका जरूर लगा, लेकिन वह फिलहाल कोई खतरा नहीं है। अब टीम के जीत के राह पर लौटना चाहेगी, अब टॉप 2 में फिनिश करना ताकि प्लेऑफ में 2 चांस मिल सके। अब टीम 12 मैच में 7 जीत कर नंबर 2 पे है। ओपनिंग में बात किया जाए जो कि कंसिस्टेंसी की कमी देखी, जिसमें यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर खेल रहे थे, वहीं पर मिडिल ऑर्डर टीम की ताकत संजू सैमसन और रियान पराग, यही दोनों बैटर है जो कि धमाल मचाए हुए हैं। अगर बात करें सिमरन हटवाड़, रॉन पॉल को लास्ट गेम में ड्रॉप कर दिया गया था, ध्रुव जुरल, शुभम दुबे जो लो ऑर्डर को स्टेबल करते हैं, बॉलिंग में टीम 6 रेगुलर बॉलर के साथ खेल रही थी, सभी बॉलर विकेट भी ले रहे थे, 10 बॉल जो कि 12 मैच में 11 विकेट लिए। टीम ने लास्ट गेम में जहां पे नादे बर्गो को चांस दिया था, संदीप शर्मा, अवेश खान भी विकेट ले रहे हैं, स्पिन बॉलिंग में अश्विन और चहल खेल रहे हैं। अब बात करें राजस्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल है, शुभम दुबे, रोवन पॉवेल है, रविंद्र अश्विन है, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट है। वही अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि केशव महाराज है, अवेश खान है, कुलदीप सेन है, नवदीप सैनी है,
कोहलर कैडमोर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि संजू सैमसन, रियान पराग और यूजी चहल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच विनर राजस्थान रॉयल्स होगा, यहाँ पे पंजाब किंग्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।